अब भाई सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई थी विदेश में जाके, वह भगत सिंह फांसी टूट गया, चंद्रशेखर आजाद देश के ऊपर मर गया, फलाना मर गया, जब हम आजाद हुई और बड़े राज्य वहां था हम भी, फिर एक जगह न्यू कैसे अग भाई विश्व गुरु यो भारत था, सोने की चिड़िया यो भारत था, सारे देश को ज्ञान हमने दुनिया को ज्ञान देने वाले हम थे, सब तो ठाडे हम थे, फिर मेरे न्यूसो में ना दिया राम घोरे फिर गुलाम क्यों है, जब सब तो ठाडे तम थे, सब तो ज्ञानी तम थे, सब तो ताकतवर थे, पीछे आ रहे थे, फिर गुलाम क्यों है, आजादी तो फिर न्याणी पड़ेगी, गुलाम है पास कदे न कदे तो, और किसी के रस को चूस के फेंक देना भी एक आजादी, यूज एंड थ्रो, इतना रस रहे इतने चूसो और फिर फेंक दो, या भी तो आजादी है, फिर गुलाम क्यों है, हम सब तो तगड़े फिर विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, वो जिक्र आपके बीच में क्या लिखा है। हाल, हाल, हाल। कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बने, कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया जगत तमाम सुना, हिंद के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम, कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया प्यारे हिंदवासी कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहता जगत तमाम सुनिया, फिर हिंद के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बनया, क्यों बनया एक भजन में आ जाओ, द्वापर तक आते आते जितने ठाडे हम होए थे, द्वापर तक ठाडे जितने द्वापर में थे, इस तक पहले भी नहीं, फिर इस तक पाछा तो सत्यानाश से चलिया गया, न्यू कहा भीमना हाथिया के पाँव पकड़े बोले आसमान में बगा दिए, भीमना हाथिया के पाँव पकड़े आसमान में बगा दिए बोले हाथी उल्टे ना आए, कितनी ताकत रही होगी, और उस गैल भी उस टाइम भीम गैल लड़निया गणे थे उसके बराबर, इसका मतलब हमारा डीएनए इतने ताकतवर ना हम पहने थे ना पछ रहे, और न्यू कहा इंजीनियर शिल्प कला पांडवा न्यू कहीं महल बना दिया था, जड़ा जल दिखा था उड़ा फरस था, जड़ा फरस दिखा था उड़ा जल था, उड़ा वान जाने आने के कई थोड़ा राड जागी थी, इसे इंजीनियर आज भी कौन है, अगर जल दिखा उड़ा फरस और फरस दिखा उड़ा जल होना पहले थे, इतने बढ़िया हथियार ना पहले थे ना पाछ रहे, लाइव टेलीकास्ट कुरुक्षेत्र में युद्ध हो था संजय घर बैठा देखा था, इतने ठाटे ना पहने थे ना पाछे थे, फिर नाश कुकर होया मारा हंगा, मारे तो आप पे नहीं डटिया, आप पे नहीं डटिया, शखर में चटकी थी जल पत्थर में फरक कराया ना, शिल्प कलाई सी पटकी थी ज्ञान शास्त्र हथियार पढ़ाई, बहुत सी जनता पटकी थी अहंकार में नाश हुआ छप, महाभारत में कटकी अहंकार में नाश हुआ, जो पढ़ते भेद तमाम
कैसे देश खुला हो हिंद के प्यारे हिंदवासी सुनो कैसे देश सलाम हो से मान सम्मान सब जारी करते हैं बार बार धन्यवाद। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे डीएचएम म्यूजिक कंपनी हमारे साथी प्रदीप सांगवान साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं 2-4 दिन में कार्यक्रम चैनल को होगा बार बार धन्यवाद। आदमी मास्टर जी गुरु जी 100 रुपए से आशीर्वाद मान सम्मान सब जारी करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जसवीर जी माते महल गाँव के रहने वाले और कुछ मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। आदरणीय मल्ले मन्नी मन्नी जी 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हरिओम रागनी चैनल 2-4-5-4 दिन में कार्यक्रम चैनल पर होगा हरिओम रागनी चैनल जो संस्कृति प्रेमी है चैनल से भी जुड़े 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये कहते हैं कि द्वापर में फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध होया वो विश्व युद्ध था उस समय का सारे देश के आधे राजा एक तरफ आधे राजा एक तरफ सारे छत्री उड़ के ट्रे थे वे सारे वे कट के मर गए आपस में 56 करोड़ यादवों सी वे भी आपस में कट के मर गए आ मैं तन्ने देखूं मैं तन्ने देखूं फिर बचा वो वर्ग जो सेवा करा करे था जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया वो वर्ग बचा लुगाई बच गई सारी फिर मानवता चलाने के लिए वे रानिया ने फिर मिलन करया जो बच गए उन गए वे जो सेवादार वर्ग था उनने फिर उनके मिलन से जो संतान हुई उनके वर्ग ना वर्ण ना पाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुदर 4 भागों में समाज बटा था फिर न्यू सवाल आ गया इनका कौन सा वर्ण हो